हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेथी यानी कि फेनुग्रीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और उसकी एक ऐसी अनोखी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी और काफ़ी हेल्दी और यमी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बॉल लेना है, उसके अंदर मैंने 2 कप मुरमुरा ऐड किया है, और उसको अच्छे से पानी के अंदर वॉश करने के बाद उसको 5 मिनट तक हमें इसे सोक करके रख देंगे ताकि अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ का जो इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यहाँ से इस तरह से हाथों से बीच में और प्रेस करके सारा पानी निकाल देंगे और एक अलग परात में उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से मैंने उसको अच्छे से मसल लिया। आप चाहें तो उसको मिक्सर जार में भी ग्राइंड कर सकते, बट ऐसी कोई नीड नहीं है। आप हाथों से करोगे ना तो ईजिली सॉफ्ट है, तो ईजिली हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने हाथों से उसको अच्छे से मसल कर एकदम और बाइंडिंग के लिए एकदम अच्छे से कर लिया है। तो अब इसके अंदर जाएंगी मेथी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश करके मेथी ले ली है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, और इसके साथ हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो जो सारे मसाले, सारी मेथी, धनिया, जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट इस्तेमाल की है, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, तो सब ऐड करके मैंने अच्छे से उसको दरदरा पीस लिया था। तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा नॉटी टेस्ट देने के लिए यहाँ पर हम तेल का, वाइट जो तेल होता है उसका इस्तेमाल किया, और थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए आप चाहे तो आमचूर या फिर नींबू पाउडर भी, सॉरी नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब मसालों को अच्छे से इस तरह से हाथों से प्रेस करके करते अच्छे से सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हर एक चीज़ अच्छे से सब में मिल जाए। तो इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ ना, तो पानी मतलब वो रिलीज होता है मेथी के अंदर से। तो बस यहाँ पर मैं जो ग्राम फ्लोर यानी कि जो बेसन है वो मैंने यहाँ पर 1 कप ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब जैसे हाथों से थोड़ा टाइम लगेगा, बट 2 से 3 मिनट में अच्छे से इस तरह से हम हाथों से अच्छे से प्रेस करोगे ना, तो जो मेथी होती है ना उसके अंदर जो पानी रहता है तो उससे आसानी से आपका डो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा उसको नहीं गूँथूँगी, क्योंकि ज़्यादा करेंगे ना तो फिर पानी उसमें से निकलता ही रहेंगे और ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हाथों में तेल लगा लिया है मैंने, और अच्छे से देखो हमें उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना देनी इस तरह के। तो ये टिक्कियाँ ना हमें पतली ही रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑयल भी फ्राई हो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने 10 ऐसे बड़े बनाए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको याद रखिएगा, आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे पकेगा ना, सॉरी फ्राई होगा, तो ये बाहर से तो दिख जाएगा क्रिस्प और ब्राउन, बट अंदर से कच्चा रहेगा, इसलिए आपको लो फ्लेम पर ही करना है। तो 4 से 5 मिनट आप लो फ्लेम पर उसको फ्राई करेंगे ना, तो अच्छे से ब्राउन कलर आ जाएगा। और इसको मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, और दूसरा पैच यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा कलर भी आ चुका है, तो यहाँ पर मैं उसको निकाल देती हूँ। तो हमारी रेसिपी बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।